नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज खबर 24। मैं आपके साथ कुसुम मिश्रा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र के प्राचीन धार्मिक स्थल बिरला मंदिर को बचाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद नरेंद्र शर्मा निंदी की अध्यक्षता में सरस्वत धर्मशाला में बैठक हुई, जिसमें नगर की सामाजिक धार्मिक संस्थाओं और गणमान्य व्यक्ति इस बैठक में शामिल रहे। इस बैठक में समाज सेवी अशोक शर्मा पहलवान द्वारा बिरला मंदिर को बिकने से बचाने के लिए छेड़ी गई मुहिम का समर्थन किया गया। सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सर्व समिति से प्रस्ताव पारित किया कि बिरला मंदिर को किसी भी कीमत पर बिकने नहीं दिया जाएगा। पूर्व पार्षद नरेंद्र शर्मा निंदी ने कहा कि बिरला मंदिर को बचाने में हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें किसी भी तरह की कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े या गोली खानी पड़े। मंदिर जो हमारे शहर की शान भी है, उसको उसमें मार्केट काटी जा रही है। हमें यह भी पता चला है कि पूरा का पूरा बिरला मंदिर बेच दिया गया है, और वो जो अशोक शर्मा जी ने, हमारे पहलवान जी ने आंदोलन चलाया, हम उसके साथ हैं, समर्थन करते हैं। और ये जो हम सरकार से, मंत्री से भी अनुरोध करते हैं कि ऐसी धरोहर को ना कॉलोनी काटनी चाहिए ना मार्केट काटनी चाहिए, क्योंकि हमारी आस्था सभी शहरवासियों की जुड़ी हुई है। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। अगर ये बिरला मंदिर ही ख़त्म हो जाएगा तो हमारे शहर की शान ख़त्म हो जाएगी। मैं सभी शहरवासियों से और सभी सरकार के मंत्रियों से और सभी सभाओं से यह प्रार्थना करता हूं कि सभी खड़े होकर इस संस्था को बचाया जाए, इस बिरला मंदिर को बचाया जाए। अगर अशोक शर्मा जी के साथ हम चलेंगे तो ये तभी बच सकती है, जैसा कि थीम पार्क बचा है। और हम ये वायदा करते हैं किसी भी हालत में बिरला मंदिर की मार्केट नहीं कटने देंगे, चाहे हमें शहीद भी होना पड़े। ये कौन लोग हैं जो इसका ये शहर का एक बाबा है, नामी ग्रामी बाबा है, जिसने ये खरीदी और उसको, वो बिजनेसमैन आदमी है। हम उससे भी कहेंगे भी ऐसा काम मत करो जिससे कि शहर में हालात बिगड़े। और सभी जो प्रॉपर्टी डीलर जिन्होंने खरीदी है, जो कॉलोनी काटने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी अनुरोध करते हैं भी इसको ना काटें, क्योंकि हम किसी भी हालत में यहाँ मार्केट नहीं कटने देंगे, बिरला मंदिर को बिरला मंदिर ही रहने देंगे। तो इसके लिए प्रयास जो है, क्योंकि सुना है कि उनके नाम रजिस्ट्रियां हैं, मिल्कियत उनकी है, तो उसके लिए तो प्रयास यह है। अभी पहले, सबसे पहले तो सरकार को चाहिए भी ये बिरला मंदिर ना बिके। अगर नई सरकार, अगर ये मार्केट बनती है तो इसका मतलब भी सरकार इनके साथ है। अगर सरकार इनके साथ, हम आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अगर गोली भी खानी पड़े हम गोली भी खाएंगे। प्रधान जी, ये बिरला मंदिर कितना पुराना मंदिर है जो, और इसको बचाना